हेलो फ्रेंड्स, आप सबका ऑल फील्ड कमान चैनल में स्वागत है। और यहाँ देख रहे हैं कि टेलीविजन की स्क्रीन पर चित्र प्राप्त हो रहा है। तो कभी कभी ऐसा देखने को आपको मिल सकता है कि चित्र सही प्राप्त नहीं होकर के चित्र का आधा भाग लंबा और आधा भाग छोटा प्राप्त हो। तो इस प्रकार के दोष को नलिनियार फॉल्ट बोलते हैं। और अगर इस प्रकार का दोष हो कि टेलीविजन के स्क्रीन पर प्राप्त होने वाला चित्र सही प्राप्त नहीं होकर के चित्र का आधा भाग लंबा और आधा भाग छोटा प्राप्त हो, तो उसको हम लोग किस प्रकार से रिपेयरिंग करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो आइए पहले कैमरा को सही रूप से फिट करते हुए और जूमिंग को बढ़ाते हुए हम लोग आगे समझेंगे। तो यहाँ कैमरा को एक जगह फिक्स करने के बाद अब हम लोग समझेंगे कि हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से समझ चुके हैं कि यहाँ पर वर्टिकल आउटपुट के रूप में एक आईसी लगा होता है जिसका नंबर होता है 78040। 78040 आईसी होता है। इस आईसी के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि इस आईसी का इनपुट पिन एक होता है और आउटपुट पिन 5 होता है। इसके पिन नंबर एक को कमज़ोर सिग्नल देते हैं। वो सिग्नल कहाँ से आता है? तो इस आईसी जो माइक्रो प्रोसेसर आईसी है, इस आईसी के अंदर 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी बनता है और बनने के बाद, निर्माण होने के बाद आईसी के पिन नंबर 16 से आउट होता है, निकलता है। और यहाँ से निकलने वाला पिन नंबर 16 से निकलने वाला जो फ्रीक्वेंसी होता है वो बहुत ही कमज़ोर होता है। तो यहाँ से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी जो कि बहुत कमज़ोर होता है, और यहाँ के फ्रीक्वेंसी को कहाँ देना होता है? तो डिफ्लेक्शन कॉइल को देना होता है। तो यहाँ से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी को शक्तिशाली करने के लिए, मजबूत करने के लिए, यहाँ के फ्रीक्वेंसी के पिन नंबर 16 से निकलने वाला फ्रीक्वेंसी को ले जा करके क्या करते हैं? तो एक जंपर के द्वारा इस आईसी के इनपुट पिन एक को देते हैं। और जब एक को देते हैं तो पूरा शक्तिशाली सिग्नल है इस आईसी के आउटपुट पिन 5 से निकल करके डिफ्लेक्शन कॉइल को चला जाता है। और इस आईसी के बारे में हम लोग और विस्तार से जो है पिछली वीडियो में हम लोग समझे हैं कि इस आईसी को काम करने के लिए सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई कहाँ देते हैं? तो पिन नंबर 4। पिन नंबर 4 जो होता है वो निगेटिव पिन होता है इसका। और ये देखिएगा कि ऐसे होते हुए पिन नंबर 4 लंबी एवं चौड़ी पट्टी से जुड़ा होता है, जबकि 2 और 6 को पॉजिटिव सप्लाई देते हैं काम करने के लिए इस आईसी को। तो ये जो है यहाँ से यहाँ जो है आपका एक डायोड के द्वारा यहाँ पर आपको 24 से 27 वोल्ट प्राप्त होती है। और 24 से 27 वोल्ट हमको जो प्राप्त होती है वही 24 से 27 वोल्ट को लेकर के एक रेजिस्टेंस के द्वारा, और यहाँ पर एक फिल्टर कैपेसिटर लगा होता है फिल्टर करने के लिए, और उसके द्वारा ऐसे होते हुए यही ट्रिक के माध्यम से होते हुए यही सप्लाई 2 को चला जाता है, और एक डायोड के द्वारा वही सप्लाई चला जाता है पिन नंबर 6 को। तो 2 और 6 को काम करने के लिए सप्लाई देते हैं। और ये आईसी का काम क्या है मुख्य रूप से? कि इधर से आने वाला पिन नंबर 16 से आने वाला कमज़ोर सिग्नल को शक्तिशाली करके पिन नंबर 5 से निकालना, और 5 से निकल करके यही सिग्नल चला जाता है डिफ्लेक्शन कॉइल को। और डिफ्लेक्शन कॉइल का दूसरा जो टर्मिनल होता है, दूसरा जो सिरा होता है, वो ऐसे होते हुए इस लाइन के द्वारा ऐसे होते हुए यहाँ पहुँचता है, यहाँ से एक कैपेसिटर के द्वारा। और कैपेसिटर के बाद देखिएगा कि यहाँ से एक रेजिस्टेंस के द्वारा निगेटिव लाइन में अर्थ होता है। तो अगर आपको वर्टिकल सेक्शन में अगर ऐसा आपको फॉल्ट देखने को मिले कि पिक्चर नलिनियार प्राप्त हो, यानी कि चित्र जो है लंबाई की दिशा में असामान्य प्राप्त हो, तो अगर असामान्य चित्र प्राप्त होता है, यानी कि चित्र का आधा भाग लंबा और आधा भाग छोटा दिखाई दे, या प्रकाश जो है कहीं का बढ़ा हुआ प्राप्त हो, लंबाई की दिशा में कहीं कम प्राप्त हो, तो उस स्थिति में खराबी आपको सर्विस मोड की भी हो सकती है। सर्विस मोड में अगर किसी रिमोट के द्वारा सर्विस मोड में जा करके कोई व्यक्ति अगर छेड़छाड़ कर देता है, तो उस स्थिति में भी पिक्चर जो है आपको नलिनियार प्राप्त होता है, असामान्य प्राप्त होता है। लेकिन सर्विस मोड से जब कभी भी फॉल्ट उत्पन्न होता है तो वो बहुत ही कम मात्रा में फॉल्ट उत्पन्न होता है, अर्थात उसका प्रभाव जो है टेलीविज़न की स्क्रीन पर बहुत ही कम प्राप्त होता है। यानी कि आपका टेलीविज़न के स्क्रीन का अधिकांश भाग जो है बिल्कुल सही प्राप्त होते हैं, और उतना ही जो है आपका जो है सर्विस मोड से फॉल्ट होगी कि आप जो सर्विस मोड में रिमोट के द्वारा जो है सर्विस मोड में जा करके और आप उस नलिनियार जो फॉल्ट है उसको आप जो है टेलीविज़न के स्क्रीन को देखते हुए बना सके। लेकिन जब कंपोनेंट से रिलेटेड खराबी हो जाएगी, मुख्य रूप से इस वर्टिकल आउटपुट आईसी के कुछ पिन होते हैं जिनसे संबंधित खराबी हो जाने पर नलिनियार चित्र प्राप्त होता है, तो जब कंपोनेंट से संबंधित खराबी हो जाएगी तो टेलीविज़न का स्क्रीन का अधिकांश भाग जो है नलिनियार प्राप्त होता है। उस स्थिति में आप सर्विस मोड खोलने के बाद भी उसको आप जो है देख नहीं पाएंगे कि हम सर्विस मोड में क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि जब सर्विस मोड में खराबी होगी तो टेलीविज़न का अधिकांश स्क्रीन का जो भाग होगा वो बिल्कुल सही प्राप्त होता है, जबकि हार्डवेयर में खराबी हो जाती है, अर्थात जो है आपके कोई कंपोनेंट अगर फॉल्टी हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, तो आपका टेलीविज़न का अधिकांश जो है स्क्रीन का भाग जो है वो इस प्रकार का हो जाता है कि आप सर्विस मोड को आप देख भी नहीं पाएंगे कि सर्विस मोड में हम जो है क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं रिमोट के द्वारा, तो आप देख नहीं पाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पर हम लोग कि इस आईसी के
कुछ ऐसे पिन होते हैं जिनसे संबंधित कंपोनेंट के खराब हो जाने पर क्या होता है कि आपको नॉनलीनियर चित्र प्राप्त होता है। तो कौन कौन कंपोनेंट के खराब होने से नॉनलीनियर चित्र प्राप्त होता है, तो देखिएगा कि आईसी का पिन नंबर 5 से सिग्नल आउट होता है, निकलता है, जिसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो के माध्यम से बहुत ही विस्तारपूर्वक समझ चुके हैं। तो 5 से जो सिग्नल निकलता है वो एक कैपेसिटर एक जम्पर के द्वारा डिफ्लेक्शन कॉइल हो जाता है, और डिफ्लेक्शन कॉइल का एक टर्मिनल जो है एक कैपेसिटर के द्वारा रेजिस्टेंस के द्वारा नेगेटिव लाइन में अर्थ होता है। तो अगर यह कैपेसिटर अगर फॉल्टी हो जाता है, कैपेसिटर अगर खराब हो जाएगा, तो भी आपका जो है पिक्चर नॉनलीनियर प्राप्त होता है, असमान प्राप्त होता है। इस कैपेसिटर के खराब होने से अनेकों प्रकार के फॉल्ट आपके टेलीविजन की स्क्रीन पर देखने को मिल सकते हैं। पहला ये कि अगर ये कैपेसिटर ओपन हो जाता है, कोई भी कैपेसिटर जो है मुख्य रूप से तीन तरह से खराब होते हैं। कैपेसिटर का ओपन हो जाना, कैपेसिटर ओपन होने का मतलब है कि उसके अंदर ही अंदर दोनों लेग जो है आपस से हट जाते हैं बिल्कुल। तो अगर कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो उस स्थिति में आपके टेलीविजन की स्क्रीन पर एच लाइन की फॉल्ट होगी। अगर यह टेलीविजन अगर यह जो है कैपेसिटर ओपन हो जाता है तब, और अगर कैपेसिटर शॉर्ट कर जाएगा, शॉर्ट होने का मतलब है कि इसके दोनों लेग आपस में सड़ जाएंगे, अगर कैपेसिटर शॉर्ट हो जाता है तो उस स्थिति में आप देखिएगा कि अगर शॉर्ट कर जाएगा तो क्या होगा। जब ये शॉर्ट करेगा तो हम लोग जानते हैं कि इस कैपेसिटर का निगेटिव टर्मिनल, ये इलेक्ट्रोलाइटिक यहाँ पर कैपेसिटर लगा होता है, और इस कैपेसिटर का निगेटिव टर्मिनल एक रेजिस्टेंस के द्वारा निगेटिव लाइन से जुड़ा होता है, और जबकि इसका पॉजिटिव टर्मिनल क्या होता है कि डिफ्लेक्शन या कॉइल से होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 5 से जुड़ा होता है, और 5 पर हम लोग जानते हैं कि पॉजिटिव पिन की ठीक आधी सप्लाई पिन नंबर 5 पर हमको क्या होती है तो प्राप्त होती है। तो आइए थोड़ा सा मल्टीमीटर के द्वारा हम लोग चेक करते हुए देखेंगे कि पिन नंबर 5 पर कितना वोल्ट जो है प्राप्त हो रही है। तो देखिएगा कि इस आईसी का पिन नंबर यह 5 है, तो 5 पर देख रहे हैं कि लगभग जो है 12 वोल्ट, यहाँ पर जो है देख रहे हैं कि 26 से कुछ कम वोल्ट है, तो यहाँ पर लगभग 13 से कुछ कम वोल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ से ऐसे होते हुए यही वोल्ट जो है ऐसे होते हुए डिफ्लेक्शन कॉइल को, और डिफ्लेक्शन कॉइल से होते हुए ऐसे होते हुए कैपेसिटर पर, कैपेसिटर के पॉजिटिव पर पॉजिटिव मिलेगा और निगेटिव पर किसी प्रकार का वोल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ से रेजिस्टेंस निगेटिव लाइन से लगा हुआ है। जब रेजिस्टेंस खराब होता है तभी यहाँ पर वोल्ट मिलता है। तो अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट कर जाएगा तो क्या होगा, अगर ये कैपेसिटर शॉर्ट कर जाएगा तो उस स्थिति में आप देखेंगे कि कैपेसिटर अगर शॉर्ट कर जाता है तो उस स्थिति में यहाँ का निगेटिव सप्लाई जो कि रेजिस्टेंस के द्वारा का निगेटिव सप्लाई यहाँ पहुँच जाएगा, और यहाँ निगेटिव है, जबकि इस आईसी के पिन नंबर 5 से पॉजिटिव निकल रहा है, तो डिफ्लेक्शन योग क्वाइल पर एक प्रकार से शॉर्ट सर्किट की स्थिति पैदा हो जाती है। और आपके डिफ्लेक्शन या कॉइल पर अगर यह जो है कैपेसिटर पूर्णतः शॉर्ट कर जाएगा तो डिफ्लेक्शन या कॉइल पर आपको रेनबो का इफेक्ट दिखाई देगा, यानी कि टेलीविजन की स्क्रीन पर चित्र प्राप्त नहीं होकर के आपका जो है स्क्रीन पर लाल हरा नीला रंग का जो है धब्बा दिखाई देने लगते हैं, पूरे स्क्रीन पर जो है आपको रेनबो का इफेक्ट दिखाई देगा। जिस प्रकार से इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, तो उसी तरीके से अगर ये अगर कैपेसिटर शॉर्ट कर जाएगा तो यहाँ का निगेटिव सप्लाई ऐसे होते हुए इधर डिफ्लेक्शन एक कॉइल के एक सिरे को निगेटिव मिला, जबकि इसके आईसी के पिन नंबर 5 से पॉजिटिव मिलता है, तो उस स्थिति में शॉर्ट सर्किट की स्थिति में क्या होता है कि आपका जो है डिफ्लेक्शन एक कॉइल भी हिट होने लगता है, और साथ ही साथ टेलीविजन के स्क्रीन पर रेनबो का इफेक्ट दिखाई देगा। और इसके अलावा क्या होता है कि आईसी आपका खराब भी हो सकता है, क्योंकि शॉर्ट सर्किट की स्थिति में जब यहाँ का निगेटिव सप्लाई जब आपको यहाँ प्राप्त होगी तो यहाँ से ऐसे होते हुए यही निगेटिव सप्लाई की मात्रा यहाँ पर बढ़ जाएगी, और उस स्थिति में आईसी काफ़ी ओवरहीट होगा और आईसी बार बार ख़राब हो जाएगा। आईसी लगाइएगा और थोड़ा देर के बाद आईसी जो है आपका हीट होकर के ख़राब हो सकता है। तो अगर यह कैपेसिटर अगर शॉर्ट कर जाता है तो उस स्थिति में आपके टेलीविजन की स्क्रीन पर रेनबो का इफेक्ट आ सकता है, या यह आईसी आपका बार बार ख़राब हो सकता है, या निगेटिव लाइन से लगा हुआ रेजिस्टेंस खराब हो, बार बार रेजिस्टेंस जो है जल जाएगा, खराब होने लगेगा, ओवरहीट होगा, इससे जो है धुआं निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहने का अर्थ यह है कि कैपेसिटर के अगर जो है शॉर्ट होने की स्थिति में आपको अनेक तरह के फॉल्ट होते हैं, और ओपन हो जाएगा तो एच लाइन की फॉल्ट होगी। और कभी कभी ऐसा होता है कि कैपेसिटर ना शॉर्ट होता है ना ओपन होता है, क्या होता है कि इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। वैल्यू चेंज होने का मतलब है कि इस कैपेसिटर है कि किसी कारणवश फट जाने पर, फूल जाने पर क्या होता है कि इसका वैल्यू चेंज हो जाता है। जब वैल्यू चेंज हो जाएगा तो उस स्थिति में आपके टेलीविजन के स्क्रीन पर नॉनलीनियर चित्र प्राप्त होंगे, यानी कि चित्र सही प्राप्त नहीं होकर के चित्र का आधा भाग लंबा और आधा भाग बहुत ही छोटा दिखाई देगा। मुख्य रूप से टेलीविजन के स्क्रीन के निचले भाग में आपको सफ़ेद रंग का पट्टा दिखाई देता है।
और क्या जानेंगे कि इस कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल के साथ कुछ कंपोनेंट लगे होते हैं इसके निगेटिव के साथ। तो अगर निगेटिव के साथ अगर यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा ना, तो अभी आपको नॉन लिनियर चित्र प्राप्त होता है। अगर निगेटिव लाइन से लगा हुआ इस कैपेसिटर के निगेटिव लाइन से लगा हुआ यह रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो भी नॉन लिनियर चित्र प्राप्त होता है। यहाँ से यहाँ लगा हुआ यह रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो भी नॉन लिनियर चित्र प्राप्त होता है। जब यहाँ से यहाँ निगेटिव जो लाइन है इस निगेटिव के निगेटिव यहाँ पर प्राप्त होता है कहाँ से, तो यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पर निगेटिव प्राप्त होता है। तो यहाँ पर अगर जो है ये रेजिस्टेंस फॉल्टी हो जाता है, खराब हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाएगा, रेजिस्टेंस मुख्य रूप से ओपन होता है, शॉर्ट नहीं होता है, या वैल्यू जो है कुछ मात्रा में चेंज हो जाता है। तो रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाएगा तो उस स्थिति में यहाँ पर देखिएगा कि यह जो है 3 वोल्ट, सॉरी यह जो है आईसी के पिन नंबर 1 से यह लाइन में जुड़ा हुआ है, और 1 पर हम लोग जानते हैं कि लगभग 3.5 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त होती है। तो 3.5 वोल्ट की सप्लाई 1 पर सप्लाई को स्थिर रखने के लिए, सप्लाई को स्टेबलाइज रखने के लिए क्या होता है कि एक निगेटिव लाइन से रेजिस्टेंस लगा होता है। यहाँ पर 3.5 वोल्ट की सप्लाई रहे, सप्लाई घटे बढ़े नहीं, तो यहाँ पर एक रेजिस्टेंस निगेटिव लाइन से लगा होता है क्योंकि कैपेसिटर के निगेटिव सिरे को निगेटिव सप्लाई देते हैं कहाँ से, तो इस रेजिस्टेंस के द्वारा तो एक रेजिस्टेंस निगेटिव लाइन से लगा होता है। जबकि ये कैपेसिटर के पॉजिटिव पर तो पॉजिटिव सप्लाई प्राप्त होता है कहाँ से, तो इस आईसी के पिन नंबर 5 से निकलने वाला वोल्ट सिग्नल और वोल्ट दोनों निकलते हैं, और जो वोल्टेज जो यहाँ देते हैं वो वोल्टेज ऐसे होते हुए इसके पॉजिटिव टर्मिनल पर वोल्टेज मिलता है। तो इसके बारे में हम लोग पहले पिछले वीडियो में समझ चुके हैं कि पॉजिटिव जो सप्लाई प्राप्त होता है वो सप्लाई यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस और फिर एक रेजिस्टेंस के द्वारा यही सप्लाई दे देते हैं आईसी के पिन नंबर 1 को। तो यहाँ पर आईसी के पिन नंबर 1 का वोल्टेज बिल्कुल फिक्स बना रहा है, इसके लिए ही एक रेजिस्टेंस नेगेटिव से लगाते हैं और 2 रेजिस्टेंस पॉजिटिव से लगाते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस फॉल्टी हो जाएगा, रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा, तो आईसी के पिन नंबर 1 का वोल्टेज बढ़ जाएगा। नेगेटिव लाइन से लगा हुआ रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा तो आईसी के पिन नंबर 1 का वोल्टेज बढ़ जाएगा। और जब हम लोग जानते हैं कि जब 1 का वोल्टेज बदलता है तो 5 का वोल्टेज बदलेगा। तो अगर यहाँ से यहाँ रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा, वोल्टेज बढ़ जाएगा, और उस स्थिति में आप देखिएगा कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर आपका जो चित्र होगा वो नलिनियाट प्राप्त होगा, चित्र का आधा भाग लंबा और आधा भाग छोटा प्राप्त होगा। तो आइए थोड़ा देर के लिए इस रेजिस्टेंस को ओपन करके हम लोग देखते हैं। तो ये जो है हम लोग कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए ही जो है ये सब हम लोग जो है देख रहे हैं, चेक करके देखते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि खराबी जो है वो कहाँ से है। तो देखिए इसको हम लोग ओपन कर दिए, कहाँ से ओपन कर दिए, तो ट्रिक को ये नेगेटिव लाइन से, कैपेसिटर के नेगेटिव लाइन से लगे हुए रेजिस्टेंस को ओपन किए। पॉजिटिव लाइन से तो रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग पिछले ही वीडियो में समझ चुके हैं कि पॉजिटिव लाइन से लगा हुआ रेजिस्टेंस के फॉल्ट हो जाने से एच लाइन का फॉल्ट होता है। जबकि नेगेटिव लाइन से लगा हुआ रेजिस्टेंस अगर फॉल्टी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो उस स्थिति में क्या होगा, तो देखिएगा कि आईसी का पिन नंबर 1 का वोल्टेज बढ़ गया, 3.5 मिलना चाहिए, वोल्टेज बढ़ गया। जब वोल्टेज बढ़ गया तो क्या होगा कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर आप देखेंगे कि नलिनियाट चित्र प्राप्त होगा। तो आइए टेलीविज़न के स्क्रीन पर देखते हैं कि किस प्रकार का चित्र प्राप्त हो रहा है। तो आइए यहाँ जो है देखेंगे कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर चित्र जो है देख रहे हैं कि किस प्रकार का चित्र प्राप्त हो रहा है। तो नलिनियाट चित्र प्राप्त हो रहा है, चित्र का आधा भाग जो है बिल्कुल देख रहे हैं कि काला है, और जो ऊपर बीच वाला में लाइट ज़्यादा प्राप्त हो रहा है, जबकि ऊपर लाइट जो है बहुत ही कम प्राप्त हो रही है। फिर कैमरा को एक जगह फिक्स करते हुए हम लोग आगे समझेंगे। तो इस कैपेसिटर के निगेटिव लाइन से लगा हुआ रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाता है तो पिक्चर नलिनियाट प्राप्त होगा, असामान्य प्राप्त होगा, और साथ ही साथ इनपुट का वोल्टेज देख रहे हैं कि बढ़ गया। जब इनपुट का वोल्टेज बढ़ जाएगा तो आउटपुट का वोल्टेज की क्या स्थिति है, तो देख रहे हैं कि आउटपुट पर मात्र 2 वोल्ट, जबकि मिलना चाहिए पॉजिटिव पिन की आधी सप्लाई। तो यहां जो है क्योंकि इनपुट का वोल्टेज बढ़ गया तो आउटपुट का वोल्टेज बदल जाता है, इनपुट का वोल्ट बदलने पर आउटपुट का वोल्ट बदलता है। तो यहां हम लोग समझना यह है कि इस कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से लगा हुआ रेजिस्टेंस अगर खराब हो जाता है तो उस स्थिति में इनपुट का वोल्टेज बदल जाता है, बढ़ जाएगा,
क्योंकि यहाँ के वोल्टेज को फिक्स रखने के लिए ही यह रेजिस्टेंस लगा होता है। तो इस रेजिस्टेंस को जोड़ते हुए हम लोग फिर आगे समझेंगे, इस रेजिस्टेंस को पुनः जो है इसको जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद आगे की ओर जो है इसको समझेंगे कि क्या। तो इसको हम लोग जोड़ दिए, अब हम लोग देखेंगे कि क्या वोल्टेज की स्थिति है। तो देखेंगे कि आईसी के पिन नंबर 1 का वोल्टेज सही हो गया, जब 1 का वोल्टेज सही हो गया तो 5 का भी वोल्टेज सही हो जाना चाहिए। तो देख रहे हैं कि पॉजिटिव पिन की ठीक आधी सप्लाई हमको यहाँ पर जो है पिन नंबर 5 पर प्राप्त हो रही है। अब आगे क्या जानना है कि एक रेजिस्टेंस, एक और रेजिस्टेंस यहाँ लगा होता है, एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर है। इसके पॉजिटिव है जो सप्लाई देने वाले दो जो रेजिस्टेंस लगे होते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो पॉजिटिव सप्लाई हमको जो प्राप्त होती है वहाँ का पॉजिटिव सप्लाई को लेकर के एक रेजिस्टेंस और फिर एक रेजिस्टेंस के द्वारा आईसी के पिन नंबर 1 को देते हैं 3.5 वोल्ट। तो अगर ये वोल्ट को भी फिल्ट्रेशन करने के लिए, वोल्ट जो है आप अप डाउन नहीं हो, वोल्टेज घटे बढ़े नहीं, तो इसके लिए देखिएगा कि यहाँ पर एक कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर लगा होता है, जिसका यहाँ पर पॉजिटिव होता है यहाँ पर नेगेटिव होता है। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगा होगा उसका यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव होगा, और यह कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल कहाँ से जुड़ा होता है, इससे कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। तो अगर ये रेजिस्टेंस खराब हो गया, यह रेजिस्टेंस खराब हो गया या यह कैपेसिटर खराब हो जाएगा, तो उस स्थिति में यहाँ का वोल्टेज आपका फिक्स नहीं हो पाएगा। लगभग 10.5 वोल्ट यहाँ पर प्राप्त होता है, तो यहाँ का वोल्टेज जो है फिक्स नहीं हो पाएगा, और उस स्थिति में यहाँ का भी वोल्ट जो है सही फिक्स नहीं हो पाएगा। तो उस स्थिति में हम देखेंगे हम लोग कि फिर नॉनलिनियर जो है चित्र प्राप्त होता होगा। तो अगर ये रेजिस्टेंस खराब हो गया या ये कैपेसिटर खराब होगा तो भी आपको पिक्चर नॉनलिनियर प्राप्त होता है। तो मुख्य रूप से हमको ये समझना है कि इस कैपेसिटर के निगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए कंपोनेंट के खराब होने से, या तो कैपेसिटर के खराब होने से या इसके निगेटिव टर्मिनल से जुड़े हुए कंपोनेंट के खराब होने से, मुख्य रूप से हमारे टेलीविजन के सेट में इस जो 78040 जो आईसी है इससे से आपको जो है नॉनलिनियर चित्र प्राप्त होता है। तो इसको हम लोग डिस्कनेक्ट करते हुए हम लोग आगे देखेंगे। तो इस ट्रैक को थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग अब डिस्कनेक्ट कर दिए हैं। जब इसको डिस्कनेक्ट कर दिए तो अब देखेंगे हम लोग कि यहाँ से यहाँ निगेटिव सप्लाई देते हैं रेजिस्टेंस के द्वारा, तो जो यहाँ से यहाँ जो निगेटिव सप्लाई देते हैं तो यही निगेटिव सप्लाई एक कैपेसिटर को निगेटिव मिलता है, जबकि पॉजिटिव को पॉजिटिव मिलता है। तो अब यहाँ से यहाँ जब इस रेजिस्टेंस को जब हम ओपन कर दिए, हटा दिए, तो क्या होगा कि यहाँ का वोल्टेज तो फिक्स हुआ नहीं। जब यहाँ पर वोल्टेज फिक्स नहीं होगा, क्योंकि इधर से आने वाला वोल्टेज को फिक्स रखते हुए, फिल्टर रखते करते हुए वही वोल्टेज देते हैं कहाँ पर, तो इस आईसी के पिन नंबर कहाँ, तो इस आईसी के पिन नंबर 1 को देते। तो अगर यह रेजिस्टेंस खराब हो जाएगा या कैपेसिटर खराब हो जाएगा, तो यहाँ का वोल्ट फिक्स नहीं होने की स्थिति में भी आप देखेंगे कि टेलीविज़न के स्क्रीन पर आपको नॉनलिनियर चित्र प्राप्त होंगे। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, आगे देखते हैं कि किस प्रकार का चित्र प्राप्त हो रहा है। तो आइए इसको, तो इस प्रकार से यहाँ हम लोग देखेंगे कि इस कैपेसिटर के निगेटिव लाइन से लगा हुआ अगर यह रेजिस्टेंस अगर ओपन हो जाएगा, अगर ख़राब हो जाएगा, तो उस स्थिति में आपका जो है यहाँ का वोल्टेज बढ़ जाएगा और पिक्चर नॉनलिनियर प्राप्त होता है, जो हम लोग समझा। साथ ही साथ यहाँ का लगा हुआ ये अगर रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है, ख़राब हो जाता है, या ये कैपेसिटर खराब हो जाता है, तो भी आपका यहाँ का वोल्टेज फिक्स नहीं हो पाएगा, और उस स्थिति में नॉनलिनियर चित्र प्राप्त होता है, जो कि हम लोग जो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे। तो अब क्या करेंगे कि इसको ट्रैक को जोड़ते हुए और हम लोग आगे समझेंगे। तो इसके ट्रैक को क्या करते हैं, तो जोड़ रहे हैं और जोड़ने के बाद आगे समझेंगे। तो इस ट्रैक को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आगे समझेंगे। अब इस ट्रैक को हम लोग जोड़ दिए हैं, अगर ये आईसी आपका फॉल्टी हो जाता है, आईसी खराब हो जाता है, तो भी नॉनलिनियर चित्र प्राप्त होता है। या आईसी को सप्लाई देते हैं, आईसी को सप्लाई कहाँ से देते हैं, तो ये देखिएगा कि यहाँ से यहाँ डायोड के द्वारा यहाँ पर 24 से 27 वोल्ट की सप्लाई हमको प्राप्त होती है, और ये सप्लाई को लेकर के यहाँ से यहाँ एक रेजिस्टेंस के द्वारा ऐसे होते हुए इस आईसी के पिन नंबर 2 को देते हैं और एक डायोड के द्वारा आईसी के पिन नंबर 6 को देते हैं।
इस 26 वोल्ट के लाइन में, 24 से 27 वोल्ट के लाइन में लगा हुआ यहाँ का कैपेसिटर, अगर ये कैपेसिटर फॉल्टी हो जाएगा, खराब हो जाएगा, तो भी जो है आपका नॉनलीनियर चित्र प्राप्त हो सकता है। कैपेसिटर में क्या होता है, कैपेसिटर या तो शॉर्ट करता है या ओपन हो जाता है। और जब शॉर्ट करेगा, शॉर्ट होने का मतलब है कि ये दोनों लेग आपस में सट जाएंगे, जब शॉर्ट हो जाएगा तो उस स्थिति में आपका सेट जो है आपका क्या हो जाएगा, तो डेड हो जाएगा, क्योंकि जब शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर वोल्टेज प्राप्त नहीं होगी, और जब वोल्टेज प्राप्त नहीं होगा तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन का वोल्टेज आता है तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन काम करेगा नहीं, आपके टेलीविजन की स्क्रीन पर लाइट ही प्राप्त नहीं होगी। और अगर ओपन हो जाता है तो ओपन जब हो जाएगा तो यहाँ का वोल्टेज को फिल्टर रखने के लिए, वोल्टेज को फिक्स बनाए रखने के लिए ही ये कैपेसिटर लगा होता है। अगर ये कैपेसिटर ओपन हो जाएगा तो उस स्थिति में आपके टेलीविज़न के स्क्रीन पर देखिएगा कि पिक्चर नॉनलीनियर प्राप्त होगा और टेलीविज़न का लाइट जो है काफ़ी जो है आपका फ्लक्चुएट करेगा, काफ़ी जो है उस लाइट में बदलाव होगा।